हाय गाइड्स, आप देख रहे हैं ऑटो वाले अंकल चैनल। दोस्तों आज जो है मेरे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे बहुत चहेते दोस्त हैं और हमेशा याद आते रहते हैं, जो कि बहुत दिन बोलने के बाद जो है उन्होंने आज ट्वीट किया है कि आदित्य चोपड़ा ने जो है, आदित्य चोपड़ा के एक खास मित्र कोई है, उन्होंने बोला कि सलमान खान पे आप क्यों 350-400 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो है इनको जो है सब नेगेटिव कर रहे हैं, मूवी जो है बनने के बाद हो सकती फ्लॉप हो जाए, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि KRK जो है भूल गए, और जो है क्योंकि देशद्रोही के बाद तो कोई पिक्चर बनाया नहीं उन्होंने, सब उनकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। अब ये समझ में नहीं आता है। मैं तो बोलता हूँ आप जो है छोटा मोटा जो है, जैसे जो है भोजपुरी पिक्चर में कुछ विलन उलन का काम करो, कोई अच्छा काम करो तो थोड़ा दिमाग फ्रेश रहेगा। आपका हो गया बुद्धि भ्रष्ट, आपको ये दिमाग नहीं। आपको मालूम है कि 20 लाख रुपए आपको मिला था, वो तो याद है, करण जौहर। जब आपको 20 लाख रुपया करण जौहर दे सकते हैं तो आप ये दिमाग लगा लो, आदित्य चोपड़ा जो है आपको मालूम है जो है यश राज जो है बैनर इतना बड़ा है कि 350 करोड़ जो है उनके लिए पानी कम चाय। तो दोस्त मैं यही बोलूँगा कि चाहे कोई दोस्त बोले कि आप 350-400 करोड़ लगा रहे हो, वो नहीं, एक बार जब वो कमेंट कर लेते हैं तो वो क्या एक डायलॉग है ना, अब उसी के ऊपर आपको बता देता हूँ। सलमान खान का एक डायलॉग है, जब मैं कमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपनी नहीं सुनता हूँ, तो वैसे ही है आदित्य चोपड़ा, जब वो कमेंट कर लेते हैं, एक बार साइन कर लेते हैं तो वो नहीं है कि क्या नाम है कि इनको हटा के उनको बैठा दो, उनको हटा के उनको बैठा दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अब रह गया जो भी वो फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं, अब वो पैसा लगाएंगे और वो मूवी जो है सुपर डुपर हिट रहेगी दोस्तों। और रह गया पब्लिक की बात, तो दर्शक जो है चाहे कुछ भी हो जाए, सलमान खान जी को हमेशा प्यार करते हैं और करते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताया था कि जो भी है सलमान खान के बारे में पल पल की खबर आपको मैं देते रहूँगा। बस मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि ऑटो वाले अंकल चैनल के साथ हमेशा आप लोग बने रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें दोस्तों। बाय।